हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मैथ से कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो सिर्फ 5 है। फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस क्यों लेकर आई हूँ, इतने कम क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितने कम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैंने बिहार दरोगा मेंस के प्रीवियस पेपर्स को देखा, वहां से मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैथ्स में उससे बार बार क्वेश्चंस किए जाते हैं और एक ही जैसे क्वेश्चंस को बार बार घुमा फिरा के किया जाता है। तो मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये 5 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने ऑब्जर्व किया है प्रीवियस ईयर के मेंस पेपर को, उसी से मैंने सेलेक्ट करके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि उसको अच्छे से समझे, ताकि एग्जाम में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे चैप्टर्स से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड है। और मैंने यहाँ कुछ लिखा है आगे डेट बिहार दरोगा मेन्स एग्जाम के, इस पे हम इस क्वेश्चंस के डिस्कशन के बाद डिस्कस करेंगे। चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी से अनुपात 7:2 है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो, प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा होगी। फ्रेंड्स, मैंने इस चैनल पे रेशियो का एक चैप्टर पढ़ाया है, अगर आप उस चैप्टर को नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है, तो उसे जरूर देखें क्योंकि उसमें सारे 100 ट्रिक्स को बताए गए हैं कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए, हम सारे उसी 100 ट्रिक्स को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक 729 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण क्या दिया हुआ है, अनुपात दूध यानी क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 7:2। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं इसका रेशियो क्या दिया हुआ, 7:2। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो, प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा होगी। यानी कि इसमें कुछ इस मिश्रण में मिक्सचर में पानी मिलाया गया है, पानी मिलाने के बाद नया रेशियो क्या बन जाता है, 7:2। यानी मिक्स करने के बाद रेशियो क्या बन जाता है, 7:3। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने वीडियो में बताया था, यहाँ भी मैं बता रही हूँ कि जिस चीज को मिलाया जा रहा है वह उसे तो ध्यान रखना ही है, और जिस चीज को नहीं मिलाया जा रहा है यानी दूध को नहीं मिलाया जा रहा है उसे भी ध्यान रखना है। जब नहीं मिलाया जा रहा है तो इसका क्या इक्वल होगा, इसका अमाउंट या इसका रेशियो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इक्वल है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, और मिलाया किसे गया है, मिलाया पानी को जा रहा है। तो पहले पानी कितना था, 2 था, और अब पानी कितना हो गया है, 3 हो गया है। यानी इसमें कितना मिलाया गया है, 1 मिलाया जा रहा है। अब क्वेश्चंस को फिर से देखते हैं, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, पानी की मात्रा पूछी जा रही है। अब यहाँ देखिए एक सर्टेन अमाउंट दिया है, सर्टेन अमाउंट कितना है, 729 लीटर दूध और पानी का मिश्रण। यानी कि 729 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, यानी इसमें दूध और पानी दोनों मिक्स है, तो दूध और पानी यहाँ भी मिक्स करेंगे हम लोग, 7+2 यानी कि 9। अब निकालना क्या है, कितना पानी की मात्रा मिलाई जा रही है, तो रेशियो में कितना मिलाया जा रहा है, रेशियो में 1 मिलाया जा रहा है। तो जो हम लोग को फाइंड करना रहता है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 1। यानी कि पानी की जो मात्रा मिलाई गई है वो कितनी मिलाई गई है, 81 लीटर। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया तो उसका उत्तर था, अब उत्तर क्या था, 3 वर्ष बाद की मेरी आयु
लीजिए, 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुना कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन से एक बार में समझ में ना आए उसको दोबारा देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही सारा सॉल्यूशन हम लोग को मिल जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो एक्यूरेट अपना डेट नहीं, अपना एज नहीं बता रहा। वो क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। मान लेते हैं क्या कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, माना कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, वर्तमान आयु मान लेते हैं एक्स वर्ष है। तो जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलने पर हम लोग को क्या मिलता है कि 3 वर्ष बाद की आयु लीजिए। अगर अभी एक्स वर्ष है तो 3 वर्ष क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद x+3 हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, x+3। 3 वर्ष बाद की आयु लीजिए, उसे 3 से गुना कीजिए, किसे, 3 वर्ष बाद की आयु को। तो 3 वर्ष बाद की आयु को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर दीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की, तो 3 वर्ष पहले की क्या हो जाएगा, x-3 होगा। जब x+3 3 वर्ष पहले बाद का है तो x-3 3 वर्ष पहले का होगा। उम्र से तिगुने को घटाइए, यानी कि इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 3x हो जाएगा यहाँ और ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन 3 के साथ चल रहा है, तो -3 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x। अब माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 3, 3, 9। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो आप लोगों को पता होगा कि अपोजिट साइन वाले क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो 3x प्लस में 3x माइनस में कट हो गया। अब क्या बच रहा है, 9+9=18, यानी कि उस व्यक्ति की आयु कितनी है, उस व्यक्ति की आयु क्या है, 18 वर्ष। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चंस को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा और बस जैसे जैसे उस कहा गया हमने उसको पुट कर दिया और क्या हो गया, हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यह काम अकेले ए करने में ए को लगे दिनों की संख्या का, यही काम अकेले पूरा करने में सी को लगे दिनों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चंस को पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि ए और बी जब साथ में काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करते हैं, 20 डेज में पूरा करते हैं, और जब बी और सी मिलकर साथ में काम करते हैं तो इसे कितने दिनों में पूरा करते हैं, 30 डेज में पूरा करते हैं, और जब ए और सी मिलकर साथ में काम करते हैं तो इसे कितने दिनों में पूरा करते हैं, 40 दिनों में पूरा करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस हमें कह रहा है कि ए को लगे दिनों की संख्या तथा सी को लगे दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी a:c हम लोग को फाइंड करना है, किसमें, डेज में बताना है कि इन लोग को डेज में कितने दिन लगेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ सब लोग का अलग अलग दे रहा है, a+b, b+c और a+c दे रहा है। अब हम निकालते हैं क्या, a+b+c मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं। तो ऐसे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 120 डेज। फ्रेंड्स, अगर इस चैप्टर की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड की गई है, आप उसे अच्छे से देख सकते हैं, और उसमें भी सारे शॉर्ट्स ट्रिक्स का यूज किया गया है, वहां से भी आप चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो a+b+c को कैसे फाइंड करेंगे, 2 × 120 / a का कितना है 20 दिन, 20 + 120 / b+c का कितना है 30 डेज, 30 डेज + 120 / a+c का कितना है 40 डेज।
जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, 2 × 120 / इसको इससे कट करेंगे 60, ये हो जाएगा कितना 40, और ये कितना हो जाएगा 30। यानी कि 60 + 40 + 30 = 2 × 120 / 30, यानी क्या हो जाएगा 240 / 130। यानी कि A+B+C मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 240 / 130 दिनों में। अब हम लोग को यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालना है A to C, यानी A अकेले कितने दिनों में करेगा और B अकेले कितने दिनों में C अकेले कितने दिनों में करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग को पता है जैसे कि A+B+C निकल गया, उसमें से अगर हम लोग को A निकालना है तो A+B+C में से जब हम लोग B+C को माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है A फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, A+B+C में से क्या माइनस करना है हम लोग को, निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है हम लोग को, A निकालना है। तो इसमें से हम B+C को जब माइनस करते हैं, B+C को जब माइनस करते हैं, A+B+C माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो इससे सबसे मल्टीप्लाई होगा, -C, ये कट हो जा रहा है। अब क्या बच रहा है हम लोग के पास, हम लोग के पास क्या बच रहा है, हम लोग के पास केवल ए बच रहा है। बस इसे हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर देना है, 240 / 130 यानी 130 × B+C हमने यहाँ यूज किया है तो B+C क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, × 30 / डिवाइड करेंगे 240 / 130 -30। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को। फ्रेंड्स कैलकुलेशन अच्छे से क्या कीजिए ताकि आंसर आपका सही आए। अब जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो क्या हम लोग को मिलता है, 39 − 240 यानी 150। यहाँ क्या आ जाएगा, 150 / 130, 130 to 130 तो कट हो जाएगा, 5 times ये कट हो जाएगा, और ये कहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और 8, यानी कि ए कितने दिनों में काम करता है, ए कितने दिनों में काम करता है, 48 दिनों में। अब निकालते हैं किसका, सी का, सी का भी हम उसी तरीके से निकालेंगे, टोटल कितने दिनों में काम किया जा रहा है, 240 / 130। और सी जब हम लोग को निकालना है तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, तो किसको लेना होगा हम लोग को, A+B को लेना होगा, तो × 20 / 240 / 130 -20। जब हम इसे माइनस करते हैं तो क्या पता चलता है हम लोग को, 240। फ्रेंड्स कैलकुलेशन मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा लंबा जाए लेकिन कैलकुलेशन सही किया कीजिए ताकि लास्ट में आप लोग को और परेशानी ना हो आंसर निकालने के समय। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 20 / 130। कैलकुलेशन आप लोग अपने कॉपी में क्या कीजिए, सी कितने दिनों में काम कर रहा है, सी अकेले काम करेगा तो 240 दिनों में काम कर रहा है। अब यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग A to C, ए कितने दिनों में काम कर रहा था, ए कर रहा था 48 दिनों में, हमने यहाँ 48 लिख लिया है। अब सी हमने यहाँ फाइंड किया, सी कितने दिनों में काम कर रहा है, सी 240 दिनों में काम कर रहा है। जब हम इसे रेशियो, तो आप लोग को पता है रेशियो सबसे छोटा भाग होता है किसी भी चीज को कट करने पे, कितना आएगा कट करने पे, 1:5, यानी A to C का रेशियो क्या होगा, A to C का रेशियो होगा 1:5। फ्रेंड्स एक बार में क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए उसे दोबारा देखने की कोशिश कीजिए, और देखने के बाद कोशिश कीजिए किसी भी बुक से उसे सॉल्व करें ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए, कितने व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है खाना खाने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर
₹32 रहेगी। प्रत्येक में कहने का मतलब क्या है, पांचों आदमी अलग अलग, यानी एक आदमी ₹32 व्यय करता है तो दूसरा आदमी भी 32 करेगा, इसी तरह तीसरा, चौथा और पांचवा भी ₹32 ही व्यय करेगा। व्यय करेगा मतलब खर्च करेगा। जबकि छठे व्यक्ति ने सभी छह व्यक्तियों के द्वारा किए गए व्यय के औसत से ₹80 अधिक खर्च किया। सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए? फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चंस एक बार में समझ ना आए, क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ा कीजिए ताकि क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सके और क्वेश्चंस सॉल्व कर सके। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या कहा जा रहा है कि जबकि छठे व्यक्ति ने सभी छह व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यय के औसत से ₹80 अधिक खर्च किए, तो सभी व्यक्ति ने कुल मिलाकर कितने खर्च किए? तो यहाँ क्या मान लेते हैं, यहाँ मानते हैं कि सभी व्यक्तियों का क्या है, औसत खर्च ₹100 है, ₹100 है औसत खर्च। अब यहाँ देखिए, जब औसत खर्च ₹1 है तो 6 का हम लोग को निकालना रहेगा योग यानी जोड़। तो क्या करेंगे हम लोग, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने एवरेज में पढ़ा होगा किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना योग निकालना रहता है तो एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने नंबर्स का निकालना होता है योग, और अगर एवरेज निकालना रहता है तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ हम लोग को उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम क्या देखेंगे केवल, अभी हमने यहाँ क्या माना, सभी का, ये सभी कहने का मतलब 6 जो आदमी है उन सभी का औसत खर्च क्या है, एक्स है। अब औसत खर्च 6 है और 6 लोग का योग निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने यहाँ योग निकाला तो बराबर करके भी हम लोग यहाँ योग निकाल देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, 6 छठा जो व्यक्ति है, छठे व्यक्ति ने सभी छह व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यय के औसत से ₹80 अधिक खर्च किए। औसत हमने अभी देखा कि क्या माना है, हमने एक्स माना है, तो औसत से ₹80 अधिक खर्च कर रहा है कौन, छठा व्यक्ति। तो ये छठा व्यक्ति है। अब उसके बाद छठे व्यक्ति के बाद भी तो पांच व्यक्ति है, पांच व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, एक व्यक्ति ₹32 खर्च कर रहा है, तो पांचों व्यक्ति को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद का स्टेप क्या होगा, देखिए 6x इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब पांच ये है और 6 ये है, कहने का मतलब ये लास्ट व्यक्ति है और ये पांचों है, तो मिलाकर 6 हो गए। अब इसको क्या करेंगे, 80 + x + अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 160। अब इसको कैलकुलेट करने तो आप लोग को आता ही होगा, 6x 6x, और इस x को इस साइड लेके आते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस करने पे 5x। अब इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 240, यानी कि 80 + 160 क्या आएगा, 240। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 240/5। कैलकुलेट करने पे क्या प्राप्त होता है हम लोग को, 48। एक्स हमने क्या माना था, यहाँ एक्स का वैल्यू फाइंड हो रहा है, एक्स कितना आ रहा है, 48। एक्स क्या माना था हमने, एक्स माना था सभी सभी औसत खर्च, ये औसत खर्च यहाँ हमने फाइंड किया कितना आ रहा है, 48। लेकिन क्वेश्चन समझे क्या किया जा रहा है, सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने खर्च किए, तो कुल मिलाकर कितना खर्च किया है, 6x। तो कुल मिलाकर कितना खर्च किया है, 6x। अब यहाँ हम लोग x का वैल्यू पुट कर देते हैं, 48, तो कितना आ जाता है, 288, यानी कि सभी लोग के द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है, ₹288। चलिए आज का हमारा लास्ट वीडियो है इस क्वेश्चंस का, सॉरी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, अपनी आय का 2/5 भाग मकान किराए पर, तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी ₹400 शेष है तो उसकी आय क्या होगी? एक व्यक्ति है, उसका आय बताया हुआ नहीं है, हम लोग को आय ही फाइंड करना है, यानी उसका इनकम क्या है, इनकम क्या है वो हम लोग को पता करना है। उसके बारे में कुछ कुछ डिटेल्स दिए हुए, वो अपने आय का क्या करता है, 1/3 भाग भोजन पर खर्च करता है, कुछ भाग मकान किराए पे खर्च करता है, और कुछ भाग क्या करता है, कपड़े पे खर्च करता है। इन सभी पे खर्च करने के बाद भी उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं, उसके पास सिर्फ ₹400 बच रहे हैं, तो उसकी आय क्या होगी? तो जब आय नहीं पता है तो क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग उसकी आय क्या होगी, मान लेते हैं कि उसकी आय कितनी है, ₹1 है। अब चलिए अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चंस चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अब देख लीजिए। एक्स अपनी आय का 1/3 भाग, अपनी आय का 1/3 भाग, यानी आय कितना है, एक्स है, तो आय का 1/3 भाग क्या किस पे खर्च कर रहा है, किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पे खर्च कर रहा है। उसके बाद किस पे खर्च कर रहा है, उसके बाद खर्च कर रहा है अपनी आय का 2/5 भाग, यानी आय का 2/5 भाग किस पे खर्च कर रहा है, किराए पे खर्च कर रहा है। उसके बाद आय का 1/5 भाग कपड़े पे खर्च कर रहा है। उसके बाद भी उसके पास 400 रुपए बचे हुए हैं, तो उसकी आय क्या होगी। फ्रेंड्स, आप लोग को तो पता ही होगा कि आय का मतलब वही होता है, आय में से ही हम लोग सारे खर्च करते हैं और सेविंग जो होती है उसको करते हैं, यानी इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि हमने जितने सारे खर्च किए यहाँ से यहाँ तक खर्च किया उसमें क्या एड सेविंग इक्वल टू इनकम। अब यहाँ एड तो आपको पता ही है कि एड का साइन हमने क्यों दिया है, क्योंकि ये सारे एड करने के बाद ही जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, इनकम होता है। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। अब यहाँ क्या है, 5x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x, चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग साथ में, प्लस 6000 हो जाएगा इक्वल टू x। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14x प्लस 6000 बराबर, इसको 15x कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड में है, तो जाहिर सी बात है प्लेस चेंज करने के बाद आप लोगों को पता है कि साइन भी चेंज हो जाता है, तो डिवाइड में है तो किस में हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया। अब इसको इसके साथ करेंगे, यानी 6000 इक्वल टू 15x माइनस 14x इक्वल, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6000। हमने यहाँ छे यहाँ एक्स किस चीज को मारा था, यहाँ आय को हमने एक्स माना था, तो आय कितना आ रहा है हमारा, 6000 आ रहा है। और क्वेश्चंस में भी हम लोग को क्या फाइंड करना था, आय फाइंड करना था, तो आय हमने देख लिया क्या, 6000। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व किए हैं, जिस जिस चैप्टर के सॉल्व किए हैं, वो सारे बिहार दर्गम मेंस एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इन सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए बुक्स से अच्छे से क्लियर कर सके, ना समझ में आए वीडियोस, हमारे वीडियोस को देखिए, उससे अच्छे से क्लियर हो सकेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था कि बाद में बात करते हैं, तो यही है कि एग्जाम का डेट क्लियर हो गया है, कब होगा, बस आपकी तैयारी की जरूरत है, अच्छे से तैयारी कीजिए, जितने भी टाइम कम बचे हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए उस बीच में, ताकि आपका ये एग्जाम क्रैक हो सके, आप